आप इस महामारी के बीच डर से बचिए, क्योंकि वायरस से बचना बहुत आसान है लेकिन डर से नहीं। इस महामारी से कम लोग मरेंगे लेकिन डर से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई भी वायरस नहीं है। डर को समझिए दोस्तों, अन्यथा मौत से पहले ही आप एक जिंदा लाश बन जाएंगे। एक सामूहिक पागलपन है जो एक अंतराल के बाद हमेशा घटता है। कारण बदलते रहते हैं, कभी सरकारों के कारण, कभी प्रतिस्पर्धा के कारण, कभी कच्चे तेल के कीमतों के कारण, तो कभी दो देशों के लड़ाई के कारण, या कभी जैविक हथियारों के कारण। ये सामूहिक पागलपन समय समय पर प्रकट होता है। इसमें बहुत से लोग या तो हमेशा के लिए विक्षिप्त हो जाते हैं या मर जाते हैं। ऐसा पहले भी हजारों बार हुआ है, इसके आगे भी होगा। इसके आगे आने वाले युद्ध तोहफों से नहीं बल्कि जैविक हथियारों से लड़े जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूं, समस्या मूर्खों के लिए डर होती है जो कि ज्ञानी विद्वानों के लिए अवसर है। इस महामारी के बीच आप घर बैठे, आपको पहली बार इतना समय मिल रहा है। किताबें पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, शरीर को कष्ट दीजिए, योग कीजिए, फिल्में देखिए, एक माह में कुछ वजन घटाइए, चेहरे पे ताजगी लाइए, अपने जो अधूरे शौक थे उसे पूरे करिए। कहां बीमारी की बात करते हो, यह भय और भीड़ का मनोविज्ञान सबके समझ में नहीं आता। डर में रस लेना बंद कीजिए। आमतौर पर हर आदमी डर में थोड़ा बहुत रस लेता है। अगर डरने में मजा नहीं आता तो लोग भूता फिल्म देखने नहीं जाते। एक सामूहिक पागलपन है जो अखबारों टीवी के माध्यम से भीड़ को बेचा जा रहा है। लेकिन सामूहिक पागलपन के क्षण में आपकी मालकियत छिन सकती है। आप महामारी से डर सकते हो तो आप भीड़ का भी हिस्सा है। इसमें ऐसा कोई चीज आप देखे नहीं, सुने नहीं जिससे आपके मन में डर पैदा हो जाए। आज से महामारी के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। डर भी एक तरह का आत्मसम्मोहन ही है। एक ही विचार बार बार घोंकने से शरीर के भीतर रासायनिक बदल होने लगते हैं, और ये रासायनिक बदल कभी कभी इतने जहरीले हो सकते हैं कि आपकी जान भी ले सकते हैं। महामारी के अलावा दुनिया में जो अच्छा हो रहा है उस पे ध्यान दीजिए, ध्यान करिए, साधना करिए। आप ध्यान करेंगे तो आपके आसपास प्रोटेक्टिव ऑरा बन जाएगा, और जो आदमी प्रोटेक्टिव ऑरा से जिएगा कोई बीमारी नहीं जो उस पर असर करेगी। आपकी ऊर्जा सकारात्मक रहेगी। धीरज रखिए। अंतिमतः
मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा धीरज रखिए, यह सब कुछ बदल जाएगा। जब तक मौत आ रही है ना, उसे आने दीजिए, डरने की कोई बात नहीं। जो अपरिहार्य है उससे डरने में क्या अर्थ है? डर एक प्रकार की मूर्ता है। अगर किसी महामारी से अभी नहीं भी मरे एक नए दिन मरना ही होगा, और वो दिन कोई भी दिन हो सकता है। इसीलिए विद्वानों की तरह जिए, भीड़ की तरह नहीं।